हाँ लड़के देखो भैया, भैया देखो, बाबू देखो, हाँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का? तिरहवा पढ़ो उसको। फिर से पढ़ो लड़के, बोलो। हाँ क्या कर रहा है? एक मिनट लड़के रुक जा। त्रिभुज ए बी सी पहले बना लो, त्रिभुज एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज हो गया। हाँ अब क्या बोल रहे हो बोलो? पर एक बिंदु डी, एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। हाँ आगे बोलो। एंगल ए डी सी, एक मिनट के, एंगल ए डी सी मैंने ये एंगल, हाँ चलो पूरा एंगल बी ए सी के बराबर है। हाँ यानी क्या सिद्ध करना है? अच्छा लड़के सुनो एक मिनट, भैया बाबू राजा मुन्ना ध्यान दो सभी लड़के, दिया है, दिया है में क्या आइटम हमारा है? यानी त्रिभुज ए बी सी में हमें ये जो है दिया है में डी, डी बी सी भुजा पर बिंदु है, ठीक है, डी बी सी पर एक बिंदु है, यही लड़के ना, इस प्रकार डी सी पर इस एक बिंदु है क्या कि कोण ए डी सी न लड़के बराबर है कोण बी ए सी, ये हमारा दिया आइटम है, ठीक। और सिद्ध क्या करना है भैया? ए बाबू ध्यान दो भैया राजा, सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू। अब लड़के ध्यान दो, बाबू ध्यान दो भैया राजा, इधर देखो जो जरूरी है आप लोगों को, ठीक है, हमें सिद्ध करना है, ये क्या करना है? अब सोचो इसके लिए हम क्या करें, सी ए स्क्वायर है लड़के, यानी सी ए इंटू सी ए, सी ए स्क्वायर होता है इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी होता है लड़के ना। अब देखो सी ए कहाँ है, दिस इज सी ए है ना लड़के, सी बी कहाँ है, ए है सी बी, और सी डी कहाँ है, ए है सी डी, ध्यान देना। अब यहाँ ए बी सी और यहाँ इसकी बात दो त्रिभुज की बात है लड़के, ध्यान देना, यानी एक कोण जो है, एक कोण तुम्हारा क्या है ए बी सी, ठीक है, इस कोण के बराबर कौन सा कोण है लड़के, ए डी सी या डी है, संगत कोण जब लोगे तो डी यहाँ आएगा, हाँ सी दोनों में है यानी सी अपने जगह पर होगा तो यहाँ क्या आएगा, बी ए लड़के डी ए आएगा, सॉरी ए आएगा, सॉरी ए आएगा, ठीक है, यानी यहाँ डी दोनों में बराबर है, सी अपने जगह दोनों में है, यहाँ बी ही आएगा ना, ध्यान देना। अब हम लोगों के सामने क्या है, ए दिया गया है और ये दोनों में कॉमन है लड़के, है कि नहीं, तो अब ए समरूपता से क्या हो गया लड़के, समरूप हो गया। अब देखो ध्यान देना थोड़ा, माने कहने का मतलब ये है ए कोण ए के सामने की भुजा क्या है, बी सी है, हाँ भले यहाँ सी ए है ना इस साइड में, भले सी ए ले लो, कोण इसके सामने की भुजा, कोण डी के सामने की भुजा, कोण डी के सामने की भुजा क्या है सी ए, इस त्रिभुज में लिया, यानी सी ए कोण डी बराबर कोण ए है, इसके सामने की भुजा क्या है सी बी, लो सी बी लो ले लो सी बी ले लो को बाद में सी बी ले लो, यहाँ सी ए किया यहाँ सी बी किया, ठीक। अब देखो लड़के इसके सामने की भुजा क्या है, ए डी है, इसके सामने की भुजा क्या है लड़के, ए बी है, ए बी है क्या उसमें, सी बी है, अच्छा यहाँ सी बी लिया है तो हाँ क्या क्या है इसमें, ए बी सी डी कोण एक सामने भुजा ले लो, तो यहाँ पे जम जरूरत उसकी है ना, जो जरूरत है उसकी लेना है ना, सी ए पाँच सी बी और फिर क्या है इसके सामने ले लो, ठीक है, यानी कोण ए के सामने की भुजा सी डी अपान कोण बी के सामने की भुजा सी ए, समझ में आया, समरूप है बराबर होंगे। अब हमें क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसे करोगे,
यानी सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। बात समझ में आई कि नहीं है लड़के? चलो आगे। अब देखो दिया है, दिया है क्या है भैया? चलो बोलो। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर ना, भुजा बी सी पर डी बिंदु, डी डी बिंदु इस प्रकार है कि न लड़के, इस प्रकार है कि न लड़के, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये दिया है। ठीक, अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है भैया? सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक, उत्पत्ति में लड़के बताओ मुझे। अब चलो कहाँ लोगे पहले? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी। लड़के जो कोण बराबर नाम वही आना चाहिए, ए ले रहे हो, बी लिया, सी लिया, अब बराबर कौन है? ए डी है, ए के बराबर डी है, तो बी के बराबर ए, सी के बराबर सी तो है ही। बात समझ में आया? यहाँ क्या लोगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी में न भैया। हाँ चलो, कोण ए बराबर कोण बी ए सी, पूरा लिखो, कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी, ये क्या है? दिया है। ठीक, क्या है? दिया है। अच्छा लड़के रुक जाए एक मिनट, साफ से लिखो बाबू, दिया है। ठीक, अच्छा कोण सी बराबर कोण सी क्या है लड़के? उभयनिष्ठ है। क्या है बाबू? उभयनिष्ठ है। अब क्या होगा लड़के? कोण ओ ए ए समरूपता से, ए ए समरूपता से। ठीक, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के। ठीक है, अब ले लो, हमें चाहिए क्या? क्या चाहिए? सी ए। तो यहाँ क्या कोण बी के सामने की भुजा सी ए अपान, अब यहाँ कोण ए के सामने की भुजा सी डी। भाई ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, अब क्या है? यहाँ कोण बी के सामने की भुजा, कोण ए के सामने की भुजा बी सी, कोण डी के सामने की भुजा सी ए, कहाँ पे? सी बी। चलो सी बी। ठीक, आओ लड़के अब आगे देखो। अब इसका मल्टीप्लाई इसे करोगे, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, इति सिद्ध न भैया? चलो जल्दी से नोट करो सब लोग, आगे हो जाए। भैया बाबू समझ में आया कि नहीं?